ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الوافي بما في الصحيحين तीसरा मकसद अल इबादत और इस मकसद के नीचे कई एक कुतुब उन कुतुब में से तेरहवीं किताब का ताल्लुक़ जिहाद से और फिर इस किताबल जिहाद में कई फ़सलें हैं उनमें से पहली फ़सल जिहाद के बारे में और इसमें फिर कई एक अब हैं और आज जो बब हम पढ़ने लगे हैं कि बाब नंबर सात है बाब अजन्नत तहत गिल्यूफ़ के जन्नत तलवारों के साय तले है और हदीस जो है वो आठ सौ चौरासी है जो अब अभी अभी हम पढ़ेंगे यानी कि हदीस आठ सौ चौरासी एट एट फोर अन अबी मूसा अन नहुकाल वह अबी हजरत ला अदब रवात है जनाब अबू मूसा अशारी ऱी अल्लानों से जिनका नाम अब्दुल्ला बिन कैस है ये उन सहाबा क़राम में से एक हैं जो यमन से आए थे जब इनको मालूम हुआ कि मक् की सरज़मीन पर कोई साहब हैं जो नबी होने का दावा कर रहे हैं तो ये लोग यमन से निकले ताकि आपकी ज़्यारत कर सकें आपसे मुलाकात कर सकें और आपकी हकीकत को जान सकें ये लोग जिस कश्ती पे बैठे वो कश्ती इनको हबशा ले गई और ये वहाँ पे हबशियों की सरज़मीन पे पहुँच गए कालों की सरजमीन पे पहुँच गए और वहाँ इनकी मुलाकात जनाब जाफर बिन अबू तालिब तलिब रज़ी अल्ला से हुई जनाब अली के भाई से वही जाफर जिनको हम कहते हैं जाफर तैयार जाफ तो उन्होंने इन्हें दीन इस्लाम के बारे में मालूम दी और नबी अली अलीस्म के बारे में मालूम दी तो ये लोग मुसलमान हो गए अबू मसाशरी भी उनके साथ ही भी फिर ये जिनाब जा, जाफर के साथ ही कई साल वहाँ हफशा में रहे और फिर जब जनाब जाफ़र वग़ैरह ये सब लोग हफ् से मदीना आए तो अबू मूसाशरी भी मदीना चले आए तो ये हैं अबू मूसा अशरी तो बुनियादी तौर तो पर कौन है यमनी है अन अबी मूसा क़ाल अबू मूसा रवायत है वो कहते हैं उन्होंने कहा वह अभी हज़रत अदूबी जबकि वो दुश्मनों के सामने थे दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे हालत जंग में थे और सफबंदी हो चुकी थी उस मौका पर जनाब अबू मूसा शरी ने कहा कि क़ाल रसूल सल वसम के, के नबी अलीसम ने फ़रमाया इन अबूवा बल जन्नति तहत तला सूफ़ यकीन जन्नत के दरवाज़े तलवारों के सए तले हैं जन्नत के दरवाज़े तलवारों के सए तले हैं इससे क्या मुराद है नंबर एक तलवारों से मुराद काफ़रों की तलवारें यानी कि अगर कोई जन्नत में जाना चाहता है तो मैदान में आए जिहाद करे और काफलों की तलवारों के नीचे से गुज़रेगा तो जन्नत मिलेगी उन्हें कत्ल करेगा और गाजी बनकर वापस आएगा या उन उनसे कत्ल हो जाएगा तो उनकी तलवारों के नीचे आएगा तलवार उनकी चलेगी तो फिर ही जन्नत जा सकेगा इनके जिहाद के ज़रिए और शहादत के ज़रिए क्या मिलती है जन्नत मिलती है और दूसरा इसका मतलब हो सकता है कि अपने मुसलमानों की तलवारें यानी कि अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो मुसलमानों की के साथ मैदान में आए इधर भी मुसलमानों की तलवारें होंगी इधर भी और उनमें आप भी खड़े होंगे तलवार लेकर तो इन तलवारों के साए तले ही आपको जन्नत मिलेगी इन मुसलमानों के साथ मिलके जब काफरों से लड़ेंगे और फिर आपको शहादत मिलेगी तो फिर आपको जन्नत मिलेगी तो बेशक जन्नत के दरवाज़े तलवारों के साए तले हैं फ़काम और रसुल आती तो एक आदमी खड़ा हुआ जिसकी हालत बहुत ही खस्ता थी पुराने से कपड़े बसीदा से कपड़े फ़क उसने कहा या एबू मूसा आंत समय रसूल अल्लाह हादा क्या तूने नबी अलीलात सलाम को ये कहते हुए सुना था यह हदीस तो तुम बयान कर रहे हो आपने बजाते खुश सुनी है ख़ालम तो जनाब मूसा फ रमाने लगे बिल्कुल ये अल्फ़ मैंने ख़ुद नबी आल असलात वाम की ज़ुबान से सुने काला तो, तो, तो रावी कहते हैं रावी कौन है अबू मूसा शरी के बेटे अबू बकर अबू मसाशरी के बेटे बकर। अबू बकर वो वो कहते हैं फ़राजा अला ही तो वो आदमी वापस गया अपने साथियों के पास फ़ला तो उनसे कहाकुम मैं तुम्हें सलाम कह रहा हूँ क्या मतलब मैं अलविदाई सलाम कहने के लिए आया हूँ कि हदीस सुन ली और नबी अलीसम की हदीस ने इतना असर डाला कि अब इन्होंने शहीद होने का पुख्ता आज़म कर लिया है लेकिन उससे पहले अपने साथियों से अलविदाई सलाम किया तो उनके पास आए कहाकम मैं तुम्हें सलाम कहता हूँ सुम कसरा सरा जफ न सईफ ही फिर इस आदमी ने अपनी तलवार की नियाम तोड़ डाली नियाम किसको कहते हैं जिसमें तलवार जिस महफूज करके रखी जाती है आप गिलाफ कह सकते हैं चाहे वो चमड़े का हो चाहे किसी और चीज का हो तो इन्होंने तलवार की नियाम तोड़ डाली किस लिए यानी कि अब ये तलवार उसमें वापस नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अब मैं लड़ता रहूंगा ताकि शहीद हो जाऊं। यह मतलब था कि फिर उस साहबी ने अपनी तलवार की नियाम तोड़ डाली फल तो उसको फेंक दिया किसको? नियाम को नियाम को टूटी नियाम को फेंक दिया सुबि से फ़ही इलाद वी फिर अपनी तलवार लेकर दुश्मन की तरफ चल निकले यानी कि नंगी तलवार लेकर फिर अपनी तलवार लेकर दुश्मन की तरफ चल निकले फ़ाराबा भी तो इस तलवार के साथ जरबें लगाईं इस तलवार के साथ लड़े हत्ता कुतिला यहाँ तक के कत्ल हो गए शहीद हो गए तो इस अदी से पता चला कि जिहाद की कितनी फज़ीलत है और ये कि जन्नत में जाने के लिए आजमाशों से गुज़रना पड़ता है क़ुरबानियाँ देना पड़ती हैं आजमाशें आती हैं उन आजमैशों का सामना करना पड़ता है फिर अल्लाह की जन्नत मिलती है और सौदा कोई मांगा महंगा नहीं है यानी कि शहादत के ज़रिए जन्नत मिल जाए तो और क्या चाहिए और फिर देखें कि साहबा एक नाम रदवान आलि अजमाइन पर और सलफ़ साल पर नबी असल्लाम की अहादीस किस कदर असर डाल डाला करती थी कि जब उस आदमी ने सुना कि अल्लाह के रसूल आलिम की यह हदीस है तो उस आदमी ने अपनी अपनी तलवार की नियाम तोड़ डाली और फिर मैदान में उतरा हता के शहीद हो गया उसके बाद बाब नंबर आठ बाब क्या है अशहादत कि शहादत गुनाहों को मिटा डालती है सवाए कर्ज़ के यानी कि आपने जो गुनाह किए हैं शहादत के ज़रिए वो गुनाह ख़त्म हो जाएंगे लेकिन कर्ज का मामला ख़त्म नहीं होगा अगर आपने किसी का कर्ज़ देना है तो कर्ज़ का मामला इतना संगीन है इतना शदीद है कि इस मामले में शहीद को भी माफ़ी नहीं।, नहीं है हदीस नंबर आठ सौ पचासी एट एट फाइव मीम इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम मुस्लिम अन अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रवायत अब्दुल्लह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहमास नबी वसल कि नबी अलीस्म ने फरमाया القتل في अल्त्लूफ़ी सबी युकफ़ रक़ुल्लशीन अलद्दईन के अल्लाह की राह में कत्ल हो जाना हर चीज़ को मिटा डालता है हर चीज़ से मुराद के हर गुनाह को हर जुर्म को तो अल्लाह की राह में कतल होना यानि कि शहीद हो जाना युकफ रक़ुल्लशीन हर चीज़ को मिटा डालता है हैद्दीन सवायः किसके कर्ज़ के ये कौन कह रहे हैं नबी अलीसम फरमा रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहादत की शान किस कदर बुलंदो बाला है और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्ज़ का मामला कितना संगीन है लोगों के हकूक़ का मामला कितना संगीन है बल्कि ने लिखा है कि नबी अलीस्म ने तो यहाँ पर कर्ज़ का तस्करा किया है लेकिन इससे ये समझ आती है कि बंदों के हकूक़ जो हैं वो तभी माफ़ होंगे जब आप बंदों से उन हक़ूक़ की माफ़ी हासिल कर लेंगे इनको लामाई कराम कहते हैं कर्ज़ का रफ्ज़ बोल कर नबी साम ने वार्निंग दी है कि बंदों के हकूक़ जो हैं उनका ख्याल करें बाकी जो अल्लाह के हकूक़ हैं जब आप तोहद के ऊपर हों और अल्लाह आपको शहादत दे दे तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे वो जराइम जिनका तल्ल अल्लाह तला से है बंदों से नहीं है वो ख़त्म हो जाएंगे तो इस हदीज़ से जहाँ जहाद और शहादत फजीलुतरहमियत मालूम हो रही है वहीं पर इस अदीज से कर्ज की संगीनी का एहसास हो रहा है और कर्ज का मामला इतना संगीन है कि नबी अलीसम आपने उन सहाबा कलम का नमाज जिनादा अदा नहीं करते थे जिन पर कर्ज होता था अगर आपका कुछ साबिफ होत हो जाता उसके जिम्मे कर्ज होता और विरासत का इतना माल ना होता जिससे कर्ज अदा हो सके और कर्ज अदा करने की कोई जिम्मेदारी भी ना लेता तो आप कहते हैं अला साबिकुम कि अपने आपने इस साथी की नमाजिन्द तुम अदा तो कर लो और ख़ुद आप चले जाते नमाज जनादा में हिस्सा लिए बग़ैर नबी अली अलीसम रहमत आलमीन होने के बावजूद अपने सहाबा क्राम की नमाज नाद में शरीक नहीं होते थे अगर वो कर्ज दिए बग़ैर फौत हो जाते थे हाँ अगर वो माले अगर वो इतना माल छोड़ के जाते कि जिससे कर्ज़ अदा हो सकता है तो फिर नमाज जिनादा आप अदा कर लिया करते थे और आखिरी ज़िंदगी में जब मुसलमानों के पास माल वाफर मकदार में आया तब आपने ऐलान कर दिया था कि आइंदा को आदमी फौत हो जाए और उसके ज़िमे कर्ज़ हो कर्ज़ अदा करके ना गया हो तो मैं वो कर्ज़ अदा करूँगा तो इसे पता चलता है कि मुसलमानों का बैतलमाल होना चाहिए अगर कोई आदमी फ़ौत हो जाता है और उसके ज़िम्मे कर्ज़ है और वो इनके उसका माल इतना नहीं है कि जिससे कर्ज अदा हो सके तो बैतुल माल को वो कर्ज़ अदा करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए बाब नंबर नौ बाब मनकुतीदो न माल ही फह शहीद जो अपने माल के दिफा में कत्ल हो गया तो वो क्या है शहीद, शहीद है यानी कि डाकू आए माल छीनने लगे चोर आए माल ए, इनके चोरी करने लगे और ए, गार का मालिक जाग गया या गार के मालिक ने उनका मुकाबला करना चाहा और इस सूरत हाल में उनको पकड़ते पकड़ते ख़ुद पकड़ा गया उनको क़त्ल करते करते ख़ुद क़त्ल हो गया तो वो आदमी क्या होगा शहीद होगा हदीस नंबर आठ सौ छियासी एट एट सिक्स इस हदीस को बयान करने वाले कौन है

कि मन मनकुतिलदून माल ही फह शहीद जो अपने माल के दिफा में क़त्ल हो जाए तो क्या है शहीद, शहीद है और तिरुविशरी में हदीस आती है उस हदीस में आप अलीस्म का ये फरमान आया है और हदीस सही है शेख हलमानी ने उसे सही करार दिया है कि जो माल का दिफा करते हुए क़त्ल हो जाए वो भी शहीद और जो अपने दीन की हिफाजत करते हुए क़त्ल हो जाए भी वो भी शहीद और जो अपने अहलो की हिफाजत करते हुए कत्ल हो जाए वो भी शहीद और यदि सही है तो इससे पता चला कि दीन इस्लाम में शहादत के लिए कई रास्ते रखे गए हैं लेकिन ये बात मालूम रहे कि इस अंदाज़ के जो शहीद होते हैं ये आखरत के लिहाज से शहीद हैं दुनिया के लिहाज से शहीद नहीं है इनके आख़रत में इनको शुहदा वाला जो जुर्साब मिलेगा लेकिन दुनिया में इनसे जो मामला किया जाएगा जो रवैया अख्तियार किया जाएगा वो शहदा वाला नहीं होगा मिसाल के तौर पर इनकी नमाजिन अदा अदा की जाएगी इनको गसल दिया जाएगा इनको कफ़न दिया जाएगा इन तमाम अमूर में ये आम मुसलमानों की तरह होंगे तो इस्लाम दीन रहमत है यानी कि आप अपनी बीवी का दिफा करते हुए उसकी इज़्ज़त का दिफा करते हुए शहीद हो जाते हैं तो आप कत्ल हो जाते हैं तो आपको शहीद करा दिया गया है यानी कि आपकी वाइफ की इज़्ज़त कुछ लोग लूटना चाह रहे थे और आपने वाइफ का दिफा किया रुकावट बन गए उन्होंने आप पे गोली चला दी आपको मार दिया तो आप क्या हैं शहीद हैं ऐसे दीन के दिफा में किसी मस्जिद का दिफा करते हुए कुरानी करीम का दिफा करते हुए नबी अली सातम की इज़्ज़त का दिफा करते हुए अगर वो कत्ल हो जाता है तो वो भी क्या है शहीद, शहीद है।, है उसके बाद बाब नंबर दस बाब क्या है मन मनका जिसने इसलिए लड़ाई की ताकि अल्लाह का कलमा अल्लाह का कलमा ही बुलंदोबाल रहे ताकि अल्लाह का कलमा ही बुलंद रहे यानी कि उसकी क्या फजीलत है उसका क्या उसकी क्या शान है जो इसलिए लड़ता है ताकि अल्लाह का कलाम अल्लाह का दीन अल्लाह की आवाज़ जो है वो बुलंद रहे हदीस नंबर आठ सौ सतासी एट एट सेवन इस हदीस के बयान करने पे इतफ़ाक़ है किसका इमाम बुखारी का इमाम मुस्लिम का

क्यों लड़ता है ताकि क्या मिलेगा माल मिलेगा वर रजलुका युद्ध कर और एक आदमी किताल करता है जंग करता है ताकि उसका तस्करा हो ताकि उसकी शोहरत का डंका बच जाए ताकि उसका नाम रोशन हो जाए व युरा मकान हो और एक आदमी इसलिए लड़ता है ताकि उसका मकाम व मरतबा देखा जा सके लोगों को पता चल जाए कि ये आदमी जो है कितना बहादुर है कितना दलेर है और कितनी किस कदर दिल जमी के साथ ये लड़ा है तो ये उसका मकसद है मनफ़ी वो राबी कहता है अब अल्लाह की राह में कौन है यानी कि जो माले गनीमत के लिए लड़ा और क़त्ल हो गया क्या हम कहेंगे वो अल्लाह की राह में जो किस रिए लड़ा ताकि उस, उसको शहरत मिल जाए उसका नाम हो जाए तो क्या वो फ़ी सबीर ला है ये सवाल हो रहे हैं फ़क तो आप अली अलीस्त उसम ने फ़रमाया मनमतल फ़ोसबीर जिसने कितल किया जिसने लड़ाई लड़ी किस लिए ताकि अल्लाह का कलमा ही बुलंद हो तो वो है अल्लाह की राह में यानी कि अल्लाह की राह में लड़ने वाला वो नहीं है जो माली गनीमत की खातर जंग कर रहा है अल्लाह की राह में लड़ने वाला वो नहीं है जो इसलिए लड़ रहा है ताकि लोग कहें कि बड़ा दलेर था बहुत इनके फाइटर किस्म का आदमी था और ऐसे ही इनके उसकी बहादुरी का डंका बाज जाए जो इन मकासद के लिए लड़ता है तो इसको नहीं कहेंगे कि ये लड़ रहा है ताकि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए अब सवाल करने वाले ने तीन चार लोगों के नाम लिए एक वो जो मालिक गनीमत के लिए लड़ता है एक वो जो शहरत के लिए लड़ता है एक वो जो इसलिए लड़ता है ताकि उसका मकाम व मरतबा लोगों को मालूम हो जाए बहादरी में लड़ाई में किताल में तो कहा इन में से अल्लाह के राम में लड़ने वाला कौन है आपने ये नहीं कहा कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है वो भी नहीं है आपने इसके बजाय इस बात में जवाब दिया कि जो भी इसलिए लड़ता है ताकि अल्लाह का कलमा ही बुलंदोबाला रहे वो है अल्लाह की रामी। तो इससे पता चला कि जिहाद में भी इखलास की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर कोई आदमी माली गनीमत के लिए लड़ता है शहरत के लिए लड़ता है और इसलिए लड़ता है ताकि उसकी शान लोग देख लें लड़ाई में तो फिर वो अल्लाह की राह में उसका होना मुश्किल है अल्लाह की राह में वही है जिसके लड़ने का मकसद यह है कि अल्लाह का दीन गालब आ जाए मुसलमान गालब आ जाए इस्लाम गालब आ जाए अल्लाह ताला राजी हो जाए जन्नत मिल जाए ये जो मकासद होती हैं। हदीस नंबर आठ सौ अठासी एट एट मीम इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम इमाम मुसलिम जन आब्दिल्ला बजली रवायत जनाब जन्दुबिन बदली से ये कोफ़ी हैं और फिर ये बसरी भी, है। भी, भी, है। भी हैं यानी कोफा में भी रहे हैं बसरा भी रहे हैं और फिर ये मिसरी भी हैं इनके मिसर में भी रहे हैं कौन बिन अब्दुल्ला अल बज़ली कल वो कहते हैं कल रसूल सल्हु वसलम के फरमाया नबीलात वाम मन कतीबीयन फ़कत लत झाजाह मन कतीला जिसको कतल कर दिया जाए किसी अंधे झंडे के नीचे किस झंडे के नीचे अंधे झंडे के नीचे कैसे जी हदीस में वजात आ रही है इनके किसी अंदा को अंदा तब ता, है अपनी जुबान के अंदा अपनी अपनी जुबान का, 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 का दिफा करना है जी मिसाल के तौर पर लड़ाई और की जी एक तरफ उर्दू वाले हैं और एक तरफ़ दूसरे मुसलमान हैं जिनकी कोई और ज़ुबान है पंजाबी पश्तो बिहारी कोई भी जुबान हो सकती है अब ये ज़ुबान की जो लड़ाई है मुसलमानों के मा तो इसमें अगर कोई किसी झंडे के नीचे लड़ता हुआ कत्ल हो जाता है तो क्या है वो उसकी मौत जालियत की मौत है यह हदीस में कहा गया है कि मन मनकुतिलता तारा यतिन अम्मी यतिन जो कत्ल हो जाए किसी अंधे झंडे के नीचे यद असबी इस हाल में कि वो पुकार रहा हो असबी यता किसी तसब को क्या मतलब यद रू असबी क्या मतलब है यानी कि गैरों को दावत दे रहा हो किस चीज की कबीले की मदद करनी चाहिए बरदरी की मदद करनी चाहिए अपनी फैमिली की मदद करनी चाहिए कि दूसरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ओय यतन, या वो किसी भी तसब की क्या कर रहा हो मदद कर रहा हो फ़कीत जाहली य तो ये मौत जाहलीत की मौत होगी ये मौत जाहलीत की मौत होगी इनके कुफर की मौत होगी इनके इस्लाम वाली मौत नहीं होगी अफसोस से कहना पड़ता है कि ये चीज़ आज मुसलमानों में आम है यानी कि अपनी ज़ुबान और अपनी कौम का और अपनी नस्ल का इस हद हाँ तक दिफा करना कि आप दूसरी जानब मुसलमानों पर तनकीद कर रहे हों उनके ख़िलाफ़ तलवार उठा रहे हों तो इस मामले में अल्लाह से डरते रहना चाहिए तो क्या कहा गया मनुती लता यतीन अम्मी यन जो लड़े किसी अंधे झंडे के नीचे जिनका लड़ने का कोई ऐसा मकसद ना हो जिस मकसद का दीन इतबार करता हो य यतन, इस हाल में कि वो तसब को पुकार रहा हो कबीले को पुकार रहा हो या अपने गैर को पुकार रहा हो कबीले की मदद के लिए बरदरी की मदद के लिए और यनसर असबी यतन, या वो ख़ुद नुसरत करता हो किस बुनियाद पर की पे, सब की बुनियाद पर तस्व वालों की वो मदद करता हो फ रतुन तो उसकी ये मौत जाहलियत की मौत होगी तो पता चला जो अपनी जुबान के दिफा में लड़ता है और लड़ता के इनसे मुसलमानों से तो ऐसा आदमी जो है वो अल्लाह के अल्लाह के कलाम अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि उसका कोई और मकसद है बाब नंबर ग्यारह बाब बयान शहदा ये बाब है शहदा के बयान के बारे में कि शहदा कौन कौन हैं किन किन को शहदा में से शुमार किया जाएगा हदीस नंबर एट एट नाइन काफ इस हदीस के बयान करने पे इतफ़ाक़ है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अन अभी हरे रत अन हो अन्सूल अल्लाशा उ खमसतन जनाब अबू हरेरा रज़ी तिरवैत है बेश रसूल वसलम ने फरमाया शहदा पाँच तरह की हैं जिनके शहीद सिर्फ वो नहीं है जो दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारके में शहीद हो जाए फरमाया शहदा और भी हैं तो यहाँ पर पाँच शहदा बताए आपने अलमत ताउन में मरने वाला ताउन में फौत होने वाला तबा है एक बीमारी है और ये जब आती है तो लोग कसरत से मरते हैं और यही वो बीमारी है जिसके बारे में कहा गया है कि नबी अलीस्त शाहमात कि मदीना में ताउन दाखिल नहीं हो सकेगा ना दज्जाल और ना ताउन जी हाँ ये गारंटी है कि मदीना में ताउन की बीमारी दाखिल नहीं हो सकेगी लेकिन कोरोना वायरस जो है ये ताउन नहीं है ये ताउन नहीं है ताउन का लफ्ज़ असल में दो मानों में इस्तेमाल कर लिया जाता है एक ये किऊन एक ख़ास बीमारी का नाम है एक ये कि हर वो बीमारी जो वबा वबा बन जाए फैल जाए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए वो क्या है ताउन है तो कोरोना वायरस जो है वो ताउन नहीं है यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये वो ताउन है जिसका तस्करा हदीस में आया है नहीं तो शुहदा उम सतुन शोहदा पांच हैं नंबर एक मतून ताउन में मरने वाला वलमबतून और पेट की बीमारी में फौत होने वाला किस बीमारी में पेट की बीमारी कौन सी होती है मिसाल के तौर पे इसहाल किसी को इसहाल लग गए पेचस लग गए पखाना रुकता नहीं है पखाना बेहता चला जा रहा है अब ज़हर है जिस आदमी को एक दिन में चार पाँच जो पखाना आएगा वो तो कमज़ोर हो जाएगा मरने वाला हो जाएगा तो अगर ये मुसलसल रहेगी ये बीमारी तो ऐसा आदमी मर जाएगा तो ये अब पेट की बीमारी हुई तो ये मैंने एक मिसाल दी है तो पेट की कोई भी बीमारी हो पेट की कोई, कोई भी, भी बीमारी हो वैसे कुछ तो कम ने कहा कि इससे मुराद इसहाल ही है और कुछ ने इसके अलावा पेट की बीमारियों के नाम लिए हैं लेकिन अल्लाह के सुन के लफ बोला अलमबतून बतन से है तो इस हम क्या माना करेंगे पेड़ की बीमारी में पेड़ की बीमारी कोई भी हो बल्कि इसमें कोरोना वायरस में मरने वाला भी आ जाता है कोरोना वायरस में जो मरे उसके बारे में लोग सवाल करते हैं कि वो शहीद है या नहीं तो अब कोरोना वायरस की अलग से तो कोई अदीस नहीं है क्या हम कहें जी करोना वायरस में मरने वाला शहीद है जब हम वो अदीस देखते हैं जिनमें तस्करा आया है ऐसे लोगों की शहादत का तो फिर लगता है कि कोरोना वायरस में मरने वाला शहीद होगा जबकि इस वायरस की वजह से उसका जिगर जो है वो काम करना छोड़ जाए उसका जिगर क्या क्या करें काम करना का, उसका जिगर जो है वो काम करना छोड़ जाए जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो फिर वो भी शहीद होगा क्योंकि जिगर का तल किससे से है पेट से है ऐसी कोरोना वायरस के मरीज के अगर गुर्दे फेल हो जाती हैं और फौत हो जाता है तो वो भी फिर क्या होगा पेट की बीमारी में मरने वाला शहीद होगा तो आपने कहा शुदा पांच नंबर एक कर ताउन में मरने वाला और ताउन से मुराद क्या यहाँ पे खास बीमारी के नाम है वल मबतून और पेट की बीमारी में फौत होने वाला वल गरी और क्या होने वाला डूब कर मरने वाला गर्क हो जाने वाला पानी में साहिबुल हदमी और किसी चीज के नीचे दबकर मरने वाला किसके नीचे किसी भी चीज के नीचे वह शहीद उफी सबीदिल्ला और अल्लाह की राम में शहीद होने वाला इनके मार्के में काफिलों से लड़ते हुए फौत होने वाला जो है वो भी शहीद है तो अब यहाँ पे आपने ए, पांच चीज़ बता दी हैं तोन में मरने वाला पेट की बुमारी में मरने वाला गल को कर मरने वाला और किसी चीज़ के नीचे दब कर मरने वाला और अल्लाह की राह में शहीद होने वाला अब इनमें से जो पहले चार हैं ये वो शहदा हैं जो आख़रत के लिहाज से शहीद हैं लेकिन दुनिया दुनियावी अहकाम के लिहाज से हम उन से जो मामला करेंगे वो शहीद वाला नहीं करेंगे हम ऐसे मामला करेंगे जैसे वो आम मुसलमान हैं आम उमन है लेकिन अल्लाह ताला के हादरों स्वब के लिहाज से वो क्या हैं शहीद हैं और जहां तक क्या आखिरी शहीद का कि जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए कत्ल हो जाए और शहीद हो तो ये वो शहीद है जो दुनिया के लिहाज से भी शहीद है और आखिरत के लिहाज से भी शहीद है तो इस हदीसे में दादाबाल्ला की रहमत का अल्ला ने सोम्मत को कैसे कैसे शहादत पाने के मौके यानी कि दिए हुए हैं इस हदीस में उसका तस्करा नहीं है जो आग लगकर फौत हो जाए तो जिसे आग लगे फौत हो जाए वो भी क्या है शहीद है जैसा कि दीगर अहादीस से पता चलता है उसके बाद बाब नंबर बारह बाब क्या जी बाप मन तला रे अन बाब है उस शख्स के बारे में जो किताल करे जंग करे लड़े किसके लिए दिखलाने. दिखलाने के लिए दिखावे के लिए लोगों को पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा बहादुर हूँ लोग देखें कि मैं कितनी खूबसूरती से लड़ता हूँ और किस कदर दिलजमी से लड़ता हूँ मैदान नहीं छोड़ता हूँ ये मकासद मकासदें हदीस नंबर आठ सौ नबे एट नाइन ज़ीरो मीम इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम है मुस्लिम, मुस्लिम� अन अबी हुई रतकाल रवैत जनाब अबू हुर जिनाब अबू हुरा के नाम क्या है इस बारे में काफ़ी इख्तलाफ है मशहूर जो बात है वो ये है कि अब्दरहमान बिन सखर अदसी तो अबूरा कहते हैं कि मैंने सुना रसूल सल वसलम से कि आ फरमा रहे थे इन फ़ोती अब ही फ़ारफ़ो नामफ़ बेशक लोगों में से सबसे पहले जिसके ख़िलाफ़ क़यामत के दिन फ़ैसला किया जाएगा लोगों में से सबसे पहले जिसके ख़िलाफ़ क़यामत के दिन फ़ैसला किया जाएगा एक आदमी होगा उस शहीदा जो क्या हुआ शहीद हुआ फ़ोती बिही तो उसे अल्लाह ताला के पास लाया गया फ़ारफा न तो अल्लाह ताला ने उसे अपनी नेमतों की पहचान करवाई इनके अल्लाह ने कहा मैंने तुझे ये भी नमत दी थी ये भी दे थी ये भी दी थी फारफा तो उस वो इन नेमतों को लेगा। इन लेगा। पहचान लेगा वो वही नियमतों क्या करेगा पहचान लेगा इनके करार करेगा कि वाकई ये तेरे बहुत बड़े एहसान थे ये तेरा बहुत बड़ा इनाम था यह मतलब है तो अल्लाह ताला कहेंगे फमा अमिल तफीहा तूने इन नियमतों के सिलसिले में क्या अमल किया है क्या मतलब है इसका जी तुझे ये नियमतें दी गई थी तो इन नियमतों के इस्तेमाल कैसे किया इन नीमतों को पाकर अल्लाह का शुक्र किस कदर अदा किया तो अल्लाह कहेंगे, फमा अमिल तफ़ी तूने इन नियमतों के मामले में क्या किया काल वो कहेगा कातल तोफ़ी का मैंने तेरी राह में कितल किया तेरी रड़ा हत, हत हत, हत, हत तस्तुशहित यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया तेरी रे लड़ते लड़ते मैं क्या हो गया शहीद हो गया हालां अल्लाह ताला कहेंगे बता तू ने जोड़ कहा है वाला किन् कातल तली अन्यू कला जरी लेकिन तूने कताल इसलिए किया लड़ाइयाँ इसलिए लिए लड़ी ताकि कहा जाए कि जरी उन ये आदमी क्या है बड़ा जरी है बड़ा बहादुर है बड़ा क्या है बहादुर है मैदान छोड़ने वाला नहीं है वक़्त की ला तो तहक़ीक ये कहा गया कहाँ दुनिया में तुम इसलिए लड़ते रहे ताकि कहा जाए कि बहुत बहादुर है बड़े बड़ी जुरत वाला है बड़ी जसारत वाला है तो ये जो तुम चाहते थे लड़ाई से वो तो तुम्हें मिल गया दुनिया में अब यानी कि मेरे मेरी तरफ से तुम फ़ारग हो मतलब क्या होगा मेरी तरफ से तुम क्या हो फारग, फारग हो बल्कि इस जुर्म की तुम्हें सज़ा मिलेगी कि तुम अल्लाह की बजाय लोगों की खातर लड़ते रहे तो फ़तरा जो तहकी ये कहा गया है शुम उमीर भी फिर उसके बारे में क्या होगा हुक्म दिया जाएगा सुमीर भी उसके बारे में हुक्म दिया जाएगा फसोही बला वजह ही तो उसे उसके चेहरे के बाल क्या किया जाएगा घसीटा जाएगा उसे उसके चेहरे के बाल घसीटा जाएगा हत्या उल्की फिनार यहाँ तक कि उसे जहनम में फेंक दिया जाएगा तो ये है जी सबसे पहले वो आदमी जिसके खिलाफ रोज़े क्या क्या होगा फ़ैसला होगा इस हदीस में ऐसे तीन लोगों का तस्करा आया है इस हदीस में ऐसे कितने लोगों का तस्करा आया है तीन लोगों का तस्करा आया है तो पहला आदमी क्यों महरूम हुआ क्योंकि अल्लाह की नमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया अल्लाह की नियमतों के मुताबिक अल्लाह की इबादत नहीं की अल्लाह को अल्लाह अल्लाह से रबते उस नहीं किए उसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर वो आदमी जिसने इलम सीखा वो भी सिखाया खुद भी इलम लिया लोगों को भी तालीम दी वक़ार कुरान और कुरान की तलावत भी की कुरान की तलावत भी सीख ली इनके फोतिया भी ही तो उसे भी लाया जाएगा फार रफाहू नियामहू तो अल्लाह तला उसे अपनी नियमतों की पहचान करवाएंगे अल्लाह ताला उसके सामने अपनी नियमतों का तस्करा करेंगे कि मैंने तुझे ये भी नियमत दी थी ये भी दी थी तुझे मकान दिया था तेरे ऊपर वालदेन का सहारा कैम उदैम रखा तुझे बच्चे दिए तुझे अच्छी जॉब दी तो यानी कि बहुत कुछ तुझे दिया अब देखिए फौती अभी कि उसे लाया जाएगा उस आदमी को तो ये कौन है अब की बार इलम वाला यानी कि आलम दीन फारफा न्यामहू तो अल्लाह उसे अपनी नियमतों की क्या क्या कराएंगे पहचान इकरार करवाएंगे इनको उनका फारफा वो उन्हें पहचान लेगा इनकार नहीं करेगा बल्कि इकरार करेगा अल्लाह तला कहेंगे फमा अमिल तफीहा तूने इन नियमतों के, के मामले में क्या किया तुझे हमने ये नीमतें दी इलम दिया कर्न दिया तलावत दी और ये सब कुछ दिया तो उन्हें अमल क्या किया इनके मामले में इनके इस इन पर अल्लाह का शिक्र किस कर दा कि अल्लाह की इबादत क्या की और इलम को लोगों में तकसीम किया कि नहीं किया ये मतलब है क़िला वो कहेगा तो आलम तु ने मैंने इल्म सीखा वालम तो हो और मैंने ये इलम लोगों को सिखाया वाल तूफ़ी कल कर्न और मैंने तेरी राम में कुरान की तलावत की तलावत सीखी और तलावत करता रहा बहुत करता रहा इनकी काला कजबता कजबता तो तो कौन कहेगा अल्लाह ताला अल्ला कहें कजबता तूने गलत कहा है तूने झूठ कहा है तू तो सच नहीं कह रहा वाला किन्ना तले उसने क्या कहा था कि मैंने इलम सीखा सिखाया और कुरान की तलावत करता रहा यानी कि तुझे राजी करने के लिए मतलब यह था उसका तो जवाब क्या है तूने झूठ का है वला किन्ना का लियुला आलिम तूने इलम इसलिए लिया था तूने इसलिए इस सीखा था ताकि कहा जाए कि ये क्या है आलिम, आलिम है। वक़रा अतल क़ुरान और तूने कुरान इसलिए सीखा कुरान की तरफ इसलिए करता रहा ताकि कहा जाए क्या है उन ये कारी है कुरान का बेहतरीन कारी है बड़ी खूबसूरत रावत करता है फ़कला तो तहकीक ये कहा गया कहा दुनिया में यानी कि जो तुम चाहते थे वो दुनिया में तुम्हें इनाम मिल गया जिस इनाम की तुम्हें ज़रूरत थी वो तुम्हें दुनिया में मिल गया सुमीरा भी ही। फिर उसके बारे में हुक्म दिया जाएगा हुक्म देने वाला कौन होगा अल्लाह तला फसो वजही ही तो उसे उसके चेहरे के बल घसीटा जाएगा हत्याार यहाँ तक कि उसे किस में डाला जाएगा जहन्नम में डाला जाएगा अल्लाह अकबर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितना संगीन है इन दोनों के जरायम क्या है इन दो आदमियों क्यों जन्म में फेंका गया है पहला शहीद था जन्म में फेंक दिया गया दूसरा आलम दीन था कुरान का कारी था ख़ुद भी तलावत करता रहा लोगों को भी सिखाई फिर भी जहनम में क्यों दिखलावा दिखलावा अल्लाह सिर्फ अल्लाह की निज़ा मकसूद नहीं थी तीसरे नंबर पर वराजलवल्ल तीसरे नंबर पर वह आदमी होगा अल्लाह तला ने उसको वसी माल दिया अल्लाह ने उसके माल में क्या की वसत दी वह आलिय अल्लाह ने उसके लिए वसत की उसको वसी माल दिया व आता मिन असनाफिल मालिक और उसे माल की तमाम अकसाम भी दी उसके माल में वसत इनके एक तो उसको माल वसी दिया और दूसरा ये कि तरह तरह का माल दिया को एक माल नहीं तरह तरह का माल दिया तो ये एक तीसरा वो आदमी है वह ही जिस जिसको अल्लाह ने वसत दी वह आता और उसे दिया मिन असनाफिन मालिक हर किस्म का माल फोती अभी ही तो उसे लाया जाएगा फाल रफ हो न्याम हो अल्लाह तला उससे अपनी नियमतों की पहचान करवाएँगे इकरार करवाएँगे फ़ारफा व नीमतों को पहचान लेगा इकरार करेगा इनकार नहीं करेगा खाल अल्लाह तहेंगे फमारफ़ी तूने इन नमतों के मामले में क्या किया इस्तेमाल कहाँ पर किया ये माल किधर तकसीम किया खाला वह आदमी कहेगा मात रख तुम इन सबीर इन तब्बनफ़ी इलाफ़ी लक मैंने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिसके बारे में तू पसंद करता हो कि उसमें माल खर्च किया जाए मगर मैंने उसमें माल खर्च कर दिया लाका तुझे राजी करने के लिए तेरी खातर काल अल्लाह तला क्या कहेंगे कदबता तूने क्या कहा है झूठ कहा है वाला किन्न कफालता तू ने यह काम इसलिए किया था कौन सा काम माल, माल खर्च करने का वला किन्न कफालता लेकिन तू काम इसलिए किया था कि कहा जाए हुआ जवाद कि यह आदमी क्या है बहुत सखी है बहुत देने वाला है क़ीला तो तहक़ीक ये बात कही गई इनके तेरे बारे में ये बात दुनिया में कही, कही, कही गई सुम अमीर भी ही। फिर उसके बारे में हुक्म आएगा फ़सोही बाला ही तो उसे उसके चेहरे के बाल घसीटा जाएगा, जाएगा।, जाएगा। सुम उल्किया फिन्नार फिर उसको आग में डाल दिया जाएगा तो इस अदी से पता चला कि अमाल करते हुए अखलास नह ज़रूरी है, है कि जब भी नमाज़ पढ़ें सिर्फ़ एक अल्लाह को राधी करने के लिए रोजे रखें सिर्फ़ एक अल्लाह को राधी करने के लिए इतवत करें सिर्फ़ एक अल्लाह को राधी करने के लिए और जिहाद का काम करें तो ये भी एक अल्लाह को राधा करने के लिए माल खर्च करें तो ये भी अल्लाह को राधा करने के लिए उसके बाद बाब नंबर तेरह ये क्या बा, बाब है बाब तहरी मुकल का इदा असलम काफ़र को कत्ल करने की हरमत जब के मुसलमान हो जाए इनके काफर को कत्ल करना क्या हराम है कब जब वो मुसलमान हो जाए कलमा पढ़ ले हदीस नंबर आठ सौ इक्यावे एट नाइन वन आफ इस हदीस के बयान करने पे इतफ़ाक़ है किसका भुखारी इमाम बुखारी को इमाम मुस्लिम का अन उसाम जैद बबन हारसत रदीम रवैत है उसामा बिन जैद बिन हारसा ऱीमास कहते हैं बाथना रसूल सल्हु वसलम हमें भेजा अल्लाह के रसूल सलाम ने इलाका जोहैना जैना की शाख हुरका की जानब यानी कि आपने भेजा हुरका कबीले की तरफ और ये कबीला किधर से आया मिन जोहैना ये कबीला हिस्सा है जो है ना कबीले का समझे ना यानी कि एक कबीले के नीचे फिर कई कबीले होते हैं ना तो आज ने भेजा कबीला हुरका की तरफ जो कि किन में से है जोहैना में से है और ये कब की बात है तकरीबन सात या आठ हिजरी की है कराम क्या लिखते हैं मौलखीन क्या लिखते हैं वाक्य कब का है सात या आठ हिजरी का काला वो कहते हैं कौन उसामा बिन जैद कहते हैं फसबह नलकऊमा फजम कि हमने कौम पे सुबह सुबह हमला कर दिया फसबह नाहम फसबह नलकऊमा हमने कौम पे सुबह सुबह हमला कर दिया हम तो हमने उनको क्या कर दी शिकस्त दे दी सुबह सुबह हमला क्यों किया सुबह सुबह हमला इसलिए करते थे क्योंकि मुसलमानों के अलावा बाकी लोग तो सुबह सुबह आराम से सोए होते हैं मुसलमान तो उठते हैं फजर की नमाज के लिए लेकिन उन लोगों तो नहीं उठना होता तो सुबह सुबह हमला किया जा जाता था ताकि वो गफलत में पकड़ लिए जाए उनको तैयारी का मौका ना मिले और आगे आदीस आएंगे जिनसे पता चलेगा कि नबी अलीसम ऐसा क्यों करते थे उसका एक फ़ायदा ये होता कि आप फ़जर के टाइम देखते कि अजान की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही उन लोगों की तरफ़ से जिन पर हमने हमला करना है अगर फजर की अजान की आवाज आती तो आप कहते हैं तो मुसलमान हम हमला नहीं करेंगे आवाज़ ना आती तो फिर आप फिर आप हमला किया करते थे तो उसामा बिन जैद कह रहे हैं कि हम के रसूल ने भेजा इला हुरक़ा हुरक़ की तरफ मिन जो जो कि जुहैना कबीले में से हैं खाला उसामा बिन जैद कहते हैं फसबाकोमा हमने सुबह सुबह उन लोगों पर हमला कर दिया फ़ाज़म ना हम तो हमने उनको क्या दीश कस दी कला कहते हैं कौन उसामा बिन जैद वादुलमिन हम मैं और में से एक आदमी उन में से एक आदमी तक पहुंच गए हम उससे जा मिले हमने उसको जा पा लिया लेकिन तो आना मैं और अंसारियों में से एक आदमी रद्बिन हम उन यानी कि हुरक़ा कबीले में से एक आदमी को हमने क्या किया पा लिया हम उस तक पहुंच गए अला उसामा उसामा कहते हैं फलमा गशी ना हो जब हमने उसको डहाँप लिया यानी कि जब हम उस आदमी तक पहुंच गए और उसको हमने क्या किया यानी कि हमने ढांप लिया यानि कि ऐसी हालत में कर लिया कि अब वो हमारी पहुंच में था हम उसे कत्ल कर सकते थे ये है कि हमने उसको ढाँप लिया यानि कि हमारी पहुंच में आ गया यानी कि अब उसके लिए हमारी पहुंच से निकलना मुमकिन नहीं था फिल्म गशीन जब हमने उसको ढांप लिया काला तो उस आदमी ने क्या कहा अल्लाह के अलावा कोई मबूदे बरहक नहीं इनको उसने कलमा पढ़ डाला पहले हमसे लड़ता रहा है जब हम लड़ने के लिए उस तक पहुंचे हैं उसको ऊपर कंट्रोल किया तो उसने क्या पढ़ लिया कलमा पढ़ लिया खाला उसामा बिन जैद कहते हैं फकफानंसारी तो अंसारी साहबी उससे हट गए उससे रुक गए अंसारी साहबी ने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि कलमा पढ़ दिया है कहते हैं फतान तो मैंने उसको अपना नेजा मारा यहां तक कि मैंने उसको कत्ल कर दिया अंसारी साबी पीछे हो गया कलमा सुन के उसामा बिन जैद ने अपना हमला जारी रखा यहां तक उसको क्या कर दिया कत्ल कर दिया उसामा बिन जैद कहते हैं फलम्मा कदिमना जब हम आए कहाँ आए अल्लाह के नबी हम के पास आए तो बाल गदा के नबी वसल्लम तो ये बात पहुँची किस तक नबी आल सात तक काला तो उसामा कहते हैं फ़ाल अली तो नबी इस्लाम ने मुझसे कहा या उसामा ए उसामा अ कतल तो हूँ बा माकाल क्या तूने उस आदमी को ला कहने के बाद कतल किया है खाला, उसामा कहते हैं कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह करसूल इन नमा का न मुताविदन सवायस के नहीं वो तो पना लेने वाला था जिनके कत्ल से कत्ल से बचने वाला था कत्ल से बचने के लिए उसने ये लाजल्ला कह दिया है वरना वो कोई मुसलमान तो नहीं था ये किसका मौकफ है उसमा बिन जैद का यानी कि उसका ईमान लाने का कोई इरादा नहीं था कोई तोहीद की मोहब्बत नहीं थी सिर्फ जान बचाने के लिए उसने क्या पढ़ा है कलमा पढ़ा, पढ़ा है इन इसके नहीं वो तो पना लेने वाला था यानी कि कलमा पढ़ के कतल से पना लेने वाला था जान बचाने वाला था वो अपनी काला आपने फिर कहा बाद ला क्या तूने उसे ला कहने के बाद कत्ल किया है और मुसम सि में हदीस आती है एक और साहबी से और उसमें है कई फतना बिला जातीम इस कलमे का क्या करोगे जब वो आदमी कलमा लेकर हाजिर होगा पेश होगा इस कलमे का क्या करोगे क्या जवाब दोगे काला उसामा कहते हैं फमाजा नबी अलीसलाम अपनी बात मेरे सामने दोहराते रहे क्या बात हाँ ये यह कित्या तू लाला पढ़ने के बाद उसको कत्ल कर दिया था हता तमन्न नहीं तो यानी कि आप इन अल्फाज को बार बार कहते रहे कहते हैं स्वामीन जैद हता तमन नहीं तो यहाँ तक कि मैंने ये आरजू की कि अन्नी लम असलम तो कबल अदालिकल यूम कि मैं इस दिन से पहले मुसलमान न हुआ होता इसका क्या मतलब है जीत हम सब जानते हैं सही हदीस है मुम श्री में आती है कि अल इस्लाम यजुब् मा कबला। अल इस्लाम यहदम मा ना कबला कि मुसलमान हो जाने से वो गुनाह जो मुसलमान होने से पहले किए होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं तो उसामा बिन जैद जब बार बार सुनते रहे कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि क़यामत के दिन क्या करोगे जबकि वो लाज ला, ला लेकर आएगा या अल्लाह के रसूल कहते रहे थे क्या तूने ने लाला कहने के बाद उस तो आदमी को कत्ल कर दिया इनको से ला लाला पढ़ लिया था उसके बाद तूने तो उसको कत्ल किया बिन है बिन जैद कहते हैं मैंने तमन्ना की आरदू की कि काश मैं आज से पहले मुसलमान ना हुआ होता ये काम हो जाने के बाद मुसलमान होता ताकि मुसलमान होने से मेरे मेरा ये गुना ये गुनाह क्या हो जाता ख़त्म हो जाता तो इस अदी का क्या पता चला कि काफ़र को कत्ल करना हराम है जबकि मुसलमान हो जाए यानी कि एक काफर अभी आपसे लड़ रहा था और आप तलवारें चला रहा था बल्कि हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे उसने पंद्रह मुसलमान शहीद कर डाले और जब हमने उसको पकड़ा तो उसने ला लाट दिया अब क्या उसको कत्ल करेंगे नहीं उसको कत्ल करना जायज़ नहीं है अब मुसलमान हो गया उसका खून भी महफूज उसकी जान भी महफूज है उसके बाद बाब नंबर चौदह बाब अदान हमला करने की ममानत इगारा का मतलब क्या होगा हमला करना हमला करने की ममानत इदा समय अल अदान जब अजान सुने यानी कि जब किसी गांव से अजान की आवाज आ जाए तो अब उन पर हमला करने की इजाजत नहीं है ये मतलब मुसलमान है पता चल गया मुसलमान है क्योंकि अजान की आवाज आई है हदीस नंबर आठ सौ बानवे एट नाइन टू मीम इस हदीस को अपनी किताब में रवैत करने वाले इमाम का नाम क्या इमाम मुस्लिम

क्या अजान की बाद इस गांव से इस कबीले से आती है कि नहीं आती बड़ी तोजो आप उधर करते अपनी फौरी यानी तो, अच्छी तरह फ इन सामिया अजान अगर आप कोई अजान सुनते अमसा का तो आप रुक जाते किसी से हमला करने से जब अजान की वाद आती किसी गांव से किसी कबीले से किसी बरादरी से तो आप रुक जाते हमला ना करते व अगारा वरना क्या करते है? वरना हमला कर देते तो इससे क्या पता चला कि अजान ये उन चीज़ों में से एक है जिनसे पता चलता है मुसलमानों और काफिलों में फ़र्क का जहाँ मुसलमान रहते होंगे वहाँ अजान की आवाज़ आएगी जहाँ मुसलमान नहीं रहते वहाँ से अजान की आवाज़ नहीं आएगी अच्छा ये फसामी अलाजुल्हन तो आपने एक आदमी को सुना यानी कि पहले ये उसूल बयान किया नसीम मालिक ने नबी आल्सातम का कि आप कब हमला करते थे अजान ध्यान से सुनते थे वग़ैरह वग़ैरह उसके बाद कहते हैं फसामी अराजुल्हन आपने एक आदमी को सुना यक़ूल वो कह रहा था अल्लाह अकबर उल्लु अकबर फ़क रसूल फ़कालसम अलफरा तो फरमाया नबी अलीम ने कि फितरत पे हो यानी कि तुम फितरत पे हो फितरत से मराद क्या इस्लाम पे हो तो पे हो गलत दीन के ऊपर नहीं हो सु फिर कहा किसने कहा उस आदमी ने जिसकी आवाज़ अल्लाह के रसूल को आ रही थी अल्लाह के रसूल को आवाज़ आ रही थी ना पहले अल्लाह अकमर अल्लाह अकबर की आवाज़ आई तो आपने कहा कि तुम फितरत के ऊपर हो फिर उस आदमी ने क्या कहा उसकी तो जान जा रही है जहर है अशद अल्लाह इलाह अशदुल्ला इला, 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 इला। गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई महुदे बरहक नहीं।, नहीं।, नहीं मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई महबूद बरहक नहीं जब ये अल्फाज सुने नबी अलीस्म ने तो फरमाया खल तमीनार तुम जहन्नम की आग से निकल गया हो क्या मतलब नजात पा गए हो इनके कलमा पढ़ के और इस बात का इकरार करके कि अल्लाह के अलावा कोई ममूदे बराक नहीं तुमने अपने आप को जहनम की आग से बचा लिया है महफूज कर लिया फनाजा लू तो उन्होंने देखा कि उन्होंने साहबा कराम ने चेक किया भी आवाज कहाँ से आ रही थी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने यह बशारतें दी हैं फनाजालू तो उन्होंने देखा पदा हु में अज़न तो अचानक वो बकरियों का चरवाहा था खिलाफ तो अचानक से ख़िलाफ़ तो ये तो नहीं थी कि यहाँ पे को बकरियों के चरवाहा ही अजान दे रहा होगा तो वो पता चला जी ये बकरियों का चरवाहा है तो इस अदीज़ से क्या पता चला एक तो पता चला कि जो आदमी तनह नमाज पढ़े वो भी अजान दे सकता है बल्कि देनी चाहिए खूस जबकि आप शहरों के बाहर कहीं रहते हों किसी गाँव वगैरह में किसी जंगल में सहरा में आप रहते हों और आप अकेले हों नमाज पढ़ने वाले तो बेहतर क्या होगा कि आप क्या कहें अजान कहें उसके बाद नमाज पढ़ें और दूसरे नंबर में पता चला कि अजान दलील है किसी के मुसलमान होने की और ना होने, ना होने, ना होने की और ये भी पता चला कि अगर अजान की आवाज आए तो फिर उन लोगों पे हमला नहीं करना जिनकी तरफ से अजान की आवाज आई है उसके बाद ही बाब नंबर पंद्रह क्या बाब है बाब लायुस्तान किसी मुशरक से मदद नहीं ली जाएगी जिहाद में लड़ाई में किताल में किसी मुशक से मदद नहीं ली, नहीं ली जाएगी हदीस नंबर आठ सौ तिरानवे एट नाइन थ्री इस अदीस को बयान करने वाले इमाम कौन है इमाम मुस्लिम रवायत है उमनशा से जो नबीलाम की क्या है, जोजा। जोजा है। अन्ना कि बेशक उन्होंने कहा खाराजा रसूल सल्हु वसलम बदरीन के निकले नबीलाम किस जानब बदर, बदर की जानब यानी कि उस इलाके की जानब जहाँ पे पहला बाकायदा गजबा हुआ था किन के दरमियान मुसलमानों के दरमियान और काफरों, काफरों के दरमियान तो निकले नबी अली सात बद्र की जानब फिलमाना बिहर वबरा अदर कहो रजुल तो जब आप थे वबरा के हर्रा में कौन से हर्रा में थे आप वबरा, थे। वबरा नामी हर्रा में थे ए, अच्छा हर्रा किसको को कहते हैं कि जो है बता चुका हूँ उस पथरीली जमीन को कहते हैं जो सिया रंग की होती है और उसके पत्थर नोकदार होते हैं जिन पर चलना मुमकिन नहीं होता इसको क्या कहते हैं हर्रा अच्छा तो जब आप निकले हैं अल्लाह के जानब तो जब आप कहाँ थे वबरा के हर्रा में थे तो अदरक कहो हो तो एक आदमी आप तक पहुंच गया एक आदमी ने आपको पा लिया खदकान वलुन उसके बारे में तस्करा होता था उसकी बहादुरी का और उसकी दलेरी का जुरा और लजद तकरीबन एक जैसे लफ्ज़ हैं और दोनों को माना तकरीबन एक जैसा है तो कदकान जुर्तन व लज दत उस आदमी के बारे में तस्करा होता था उसकी बहादुरी का व लज और उसकी दलेरी, दलेरी का फारीहाब नसूल वसलम ही नो तो खुश हुए नबीम के साहबा के नाम जब उन्होंने उस आदमी को देखा क्यों खुश हुए इस अधीज का तल्ला किस वाक्य से है जब आप बदल में लड़ने के लिए जा रहे थे किधर जा रहे थे बदर में लड़ने के, के लिए जा रहे थे <coughs> तो उस मौका पे <coughs> ज़हर है कि मुसलमान बहुत कम थे और ये आदमी ऐसा था जिसकी बहादुरी के चर्चे थे जो किताल में लड़ाई में बड़ा माहिर था तो मुसलमान इसलिए खुश हुए कि एक तो मामला जो है ऐसा हो गया है कि मदद आ गई है और मदद भी उस आदमी की तरफ से आई है जो बहादुर है जिसकी बहादरी का बहुत चर्चा है तो अब हुआ क्या फलमा अदर का हो जब उसने आप अली अलीस्त को पा लिया उस आदमी ने इनके पहले आया है और अब बाकायदा के रसूल तक पहुंच गया है रसूल तो उसने कहा नबीत उसम से जीतूल तब आका व उसी बमाक मैं आया हूं ताकि मैं आपकी पैरवी करूं और आपके साथ पालूं क्या पालूं मालिक गनीमत यानी कि मैं इसलिए आया हूं ताकि आपके साथ लड़ने के लिए मैं भी चलूं आपके की क्यादत में मैं भी लडूं भी। और जो माल गनीमत मिलेगा बाकी लोगों को वो मुझे भी मिलेगा मुझे भी माल हासिल होगा तो मैं इसलिए मैं आया हूँ ख़लू तो रसूल वसम तो अल्लाह के रसूल आल्लाम ने कहा तो मिनु भीला व रसूली क्या तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल पर ही मान लाते हो अल्लाह को मानते हो अल्लाह के रसूल को मानते हो अल्लाह उस आदमी ने कहा नहीं, नहीं।, 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 नहीं। तो आपने कहा फर्जियाँ तो तुम वापस चले जाओ फलास्तायीन अभी मुशरक़ मैं किसी मुशक से हरगिज़ मदद नहीं, नहीं लूँगा किसी भी मुश्क से मैं मदद नहीं लूँगा बिल्कुल नहीं लूँगा ख़ालत जनाब ऐसा कहती हैं सुम फिर वो आदमी क्या हुआ चला गया हताकुल्ला बजरा यहाँ तक कि जब हम कहाँ पहुँच गया शजरा मकाम शजरा में ये किधर है मिकादुल मकाजुलफ़ा मिकादु में इज़रत हुआ करता था ना उसकी मुनासबत से इस जगहों को शजरा भी कहते थे तो कहती हैं कि जब हम मकाम शजरा पे थे तो अदरक्रजलु उस आदमी ने आपको पा लिया फ़कमाक्ल मर्रतिन तो आपने उससे कहा जैसे पहली बार आपने कहा था क्या कहा था आपने कि मैं किसी मुशरक से मदद नहीं लूंगा फ़कअनबी कमाक मरती तो नबी अली नबीतम ने उससे वही कहा जो आपने पहली, पहली, पहली मरतबा कहा था, था तो आपने कहा फर्ज वापस चले जाओ फलन अस्ताई नबी मुशरकिन मैं किसी मुशक से बिल्कुल मदद नहीं लूंगा हर गिज मदद नहीं लूंगा काल रावी कहते हैं सुम महाराजा फिर वह आदमी वापस चला गया नहीं बल्कि अब क्या हुआ है सुम महाराजा फिर वह आदमी क्या हुआ वापस आया फ अदर कहू बिल बैदा तो उसने आपको कहाँ पा लिया किस मकाम पे मकाम बैदा पे आपको पा लिया फ़कालहू कमा तो उसने आपसे ऐसे ही कहा जैसा कि पहली आपने उससे कहा जैसा कि पहली बार कहा था क्या कहा तो व रसूली यानी कि उस आदमी ने अपनी पेशकश दोबारा दोहराई कि मैं आप लोगों के साथ लड़ना चाहता हूं और मालिक गनीमत में से हिस्सा लूंगा जैसे आप लोग लेंगे तो आपने भी उससे वैसे ही कहा जैसे पहली बार कहा था तो व रसूली क्या तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल पे ईमान लाते हो और हो। इस बार उस आदमी ने कहा हाँ फ़क़ा लू रसूल फ़न तलिक तो नबी आलम ने उससे कहा चलो तो आपको इतराज़ यहीं था कि वो क्या है मुशरक है तो मुशर से आपने कहा मैं बिल्कुल मदद नहीं लूँगा वह आदमी दो दफ़ा आया आपने उसकी पेशकश ठुकरा दी इसलिए कि वह हालत कुफर में था हालत शिरक में था आखिरी बार जब आया तो आपने कहा किसुर पर ईमान लाते उसने कहा हाँ ये कहते ही वो क्या हो गया मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल वसम तरी तुम चलो ये नहीं ठीक है हमारे साथ आओ आप तो इस कबाब क्या था कि किसी भी मशरक़ से मदद नहीं ली जाएगी तो मामाए के नाम कहते हैं इस मौजू पर कि इस मौजू पर जो अहदीस आई हैं उनका ख़ुलासा ये है उनका, उनका मफहम ये है कि किसी मुशरक से मदद लेनी है या नहीं लेनी लड़ाई के सिलसिले में तो ये फैसला कौन करेगा ये इमाम करेगा जो हुक्मरान है वो करेगा जो खलीफा वक्त है वो करेगा वो देखेगा कि इस्लाम का मुसलमानों का फायदा किस में है अगर फायदा हो मुशरकिन से मदद लेने में और ज़रूरत भी हो फायदा भी हो और जरूरत भी हो और उनकी तरफ से किसी फसाद जो फितने का अंदेशा ना हो तो फिर मदद ली जा सकती है और अगर हम ये देखें कि मदद लेंगे तो उसका कोई नुकसान है कोई ऐसा मामला हो जाएगा जिसकी वजह से फ़ायदे की बजाय मुसलमानों का नुकसान होगा तो फिर उनसे मदद नहीं, नहीं, नहीं लेनी चाहिए बहरहाल ये फ़ैसला कौन करेगा खलीफा वक्त जहाँ तक तल्ल का रसूल सलाम का तो आपने इस जंग के मौका में किसी मुशक से मदद नहीं, नहीं, नहीं ली और ये बड़ी बात है कि उस जमाने में साहबा के नाम कम हुआ करते थे अगर एक ऐसा आदमी मिल जाए जिसकी शोरत जिसकी शोरत हो क्यों अच्छा लड़ता है तो इंसान का दिल चाहता है कि मैं इसे मदद ले लूँ लेकिन नबी अली अलीस्म अपने मौक़ पर लटे रहे आपने कहा मैं किसी भी मशरक की मदद नहीं लूंगा उसके बाद क्या जी बाब नंबर सोलह क्या बाब है बाप अखराज़ैरमुसलिमिनज़ीरार मुस्लिम को जजीरा से निकालना कहाँ से निकालना जजीरा अरब से यानी कि जजियारब से गैर मुस्लिमों का अखराज उनको निकाल देना इस बारे में ये बाब है हदीस नंबर क्या आठ सौ चौनानवे एट नाइन फोर मीम इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम उसम अनुमर बबिनसमिया रसूल सल्ल वसम क़ूल रवायत है जनाब उमर बिन ख़ताब से वस्राथ वस्राथ कि बेशक उन्होंने नबी आल्तम से सुना क्या फ़रमा रहे थे लखनी जन्ल यहूदारा मिन जज़ीरतिलब हत अदा मुसलिमन के मैं लाजमी तौर पर निकाल दूँगा यहूदियों को ईसाइयों को कहाँ से जज़ीरा अरब से यहाँ तक के मैं नहीं छोड़ूँगा मगर एक मुसलमान को इसका क्या मतलब है मुसलमान को छोड़ू यानी कि जजीर अरब से जजीर अरब में किसी यहूदी ईसाई को नहीं रहने दूंगा सबको निकाल दूंगा हती कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे उन्हीं को छोड़ूंगा उन्हीं को रहने दूंगा बाकी सबको क्या करूँगा निकाल दूंगा तो ये भी एक अच्छी बात है कि जजीर अरब में यहूदियों ईसाइयों को ना रहने दिया जाए इसके बावजूद अगर कभी हुक्मरान ये समझे कि उसे ज़रूरत है किसी यहूदी से मदद लेने की किसी ईसाई से मदद लेने की मशूरा करने की मीटिंग करने की या कोई काम ऐसा है मुसलमान मुल्क में जो कोई यहूदी जानता है ईसाई जानता है तो इसलिए उनको उस उनको बुला लिया जाता है और वो जजेर अरब में दाखिल होते हैं इस काम के लिए तो उम्मीद है कि इन श्ला उसमें कोई हरज नहीं।, नहीं है लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि मुस्तकिल तौर पर यह जजे अरब में ना रहें उसके बाद क्या बाब नंबर सत्रह क्या बाप बाबू कतल जासूस ये किस बारे में है? जासूस को कत्ल करने, 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 करने के बारे में कि जासूस को कत्ल कर देना चाहिए इस बारे में ये बाब है हदीस नंबर आठ सौ पचानवे एट नाइन फाइव काफ इस हदीस के बयान करने पे इतफाक़ है किसका इमाम बुखारी के इमाम मुस्लिम का, का? अनसलमा तबन अकवाई रवायत अजनाब सलमा बिन अकवा से सलमा बिन अकवा अकवा असलमी है ये कहते हैं अतल नबीसलम आई नबीमशरक कि नबी अली अलीसम के पास एक जसूस आया किन में से मुश्किन में से वह फ़ी सफ़ारिन जबकि आप एक सफ़र में थे और दिगर वाया से पता चलता है कि आप गज़वाए हुनैन के लिए थे गए हुए थे किसके लिए गए हुए थे गज़बा हुनैन।, हुनैन के लिए गए हुए थे और रास्ते में किसी जगह पे आप उतरे प्राउड डाला ये उसकी बात हो रही है तो नबी इसम के पास आया आ एक जासूस मशरकिन में से वह वफ़ी सफ़र जबकि आप कहाँ थे सफ़र में थे फजला साइंदा साहब ही वह आदमी आपके साथियों के पास बैठ गया या त हदस व गुफ्तगु करने लगा सुमन फ़तला फिर वो वापस चला गया वापस मुड़ गया फ़ाला नबील वसम तो फरमाया नबी अली नबीम ने उतलूबो इसको क्या करो तलब करो इसको तलब करो इसको तलाश करो वक्तलू हो और इसको क्या करो इसको कतल कर दो तो अब सलमाकवा कहते हैं फ तो हो मैंने उस आदमी को क्या किया कतल कर दिया फलफू सलबू तो नबी अलीलाम ने उन्हें उसकी सलब दी नबी अतम ने क्या दी किसको दी सलमा बिन अकबा को सलमा बिन अकवा को आपने उस आदमी की सलभ दी वो आदमी कौन सा आदमी जो कतल हुआ है सलब किस कहते हैं जब को आदमी कत्ल हो जाए काफरों में से और कत्ल करने वाले मुसलमान हों तो अब उसके पास सामान होगा काफर के पास तलवार होगी उसकी इस किस्म की चीज़ें उसने पहनी होंगी तो इनको क्या कहा जाता है सलब तो माल गनीमत के अलावा नबी अली सात ने सलमा बिन अकबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें उस कत्ल होने वाले इंसान का छोड़ा हुआ सारा माल दे दिया चले तो अब इसमें हम, हमारे लिए दलील क्या थी कि जसूस को कत्ल करना जैद है जायज नहीं है जायद है जसूस को कत्ल करना क्या है जायद है यहाँ पे देखें जसूस आया आपके साथियों के पास बैठा फिर चला गया तो आपको बताया गया तो आप अपनी इसको तलाश कर उसको कत्ल कर दो तो कत्ल कर दिया गया उसके बाद क्या वल्लफ व मुस्लिम मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं इसी दी इसके बारे में कला के वो कहते हैं कौन सलमाकवा गजों ना मा रसूल सवाजन हमने नबी सलाम के हवाज़न की लड़ाई की लड़ाई लड़ी फ़बई नसूल सल्हस जबकि हम दोपहर का खाना खा रहे थे क्या कर रहे थे दोपहर का खाना खा रहे थे किसके साथ अल्लाह के रसूल अलीसलम के साथ इनके की साथ मिलकर अहमर तब एक आदमी आया किसी पे सवार होकर जमल ऊंट पे लेकिन ऊंट किस रंग का अहमर सुरह रंग के ऊंट पे एक आदमी सवार होकर आया फ हो उस आदमी ने उसको बिठा दिया हकबी हक ही फ़ैया दबील जमल फिर उसने क्या किया चमड़े की रस्सी निकाली अपने पटके में से क्या निकाली चमड़े की रस्सी तो उसके साथ ऊंट को बांध दिया यानी कि आदमी आया है किस रंग के ऊंट पे सुख रंग के ऊंट पे उस ऊंट को उसने क्या किया बिठाया फिर उसने क्या किया चमड़े की रस्सी निकाली अपने पटके में से फ़ैया दबील जमल तो उसके साथ ऊंट को क्या किया बांध दिया सुमत कदम तद्दा मालकोमी फिर आगे बढ़ा और लोगों के साथ दोपहर का खाना खाने लगा लोग खाना खा रहे थे न के नाम उनके साथ आके बैठ गया खाना खाने लगा वह जला युर और क्या करने लगा देखने लगा क्योंकि असली था तो जसूस देखने लगा क्या हो रहा है कितने हैं ऊंट कितने हैं ये सब कुछ देखने लगा वफीना वाफतन और हम में क्या था कमज़ोरी थी हम में क्या थी कमजोरी थी वरीकात फरी और सवारियों में दुबलापन भी था मारे ऊँटों में क्या था दुबलापन लंबा सफ़र करके इतने बोझ उठा के वो क्या हो चुके थे दुबले, दुबले हो चुके थे वबादुलना मुशातन और हम में से कुछ क्या थे पैदल थे अब ये सारी कमज़ोरी के पहलू हैं यानी कि हमारे ऊँट जो हैं उनमें दुबलापन आ चुका है और कई हमारे दीगर लोग ऐसे हैं जिनमें कमज़ोरी है और बाद हम में क्या पैदलों के की ही नहीं है इद यशत दू तब वो आदमी क्या हुआ वो निकला इस हाल में कि दौड़ने लगा क्या करने लगा दौड़ने लगा दौड़ने लगा दौड़ लगा दी थी उसने फाति जमलाहू अपने ऊँट के पास आया फिर का कईदहू उसकी रस्सी खोली सुमान ना खाऊ फिर उसको बिठाया ऊन खड़ा था ना उसको क्या किया बिठाया वाली खुद उसके ऊपर बैठ गया बैठ गया।, गया सवार हो गया बैठ गया फ आसाराह बैठने के बाद अब उसने ऊँट को क्या किया खड़ा किया उठाया खड़ा किया फश्तदी जमल तो ऊँट उसको लेके दौड़ने लगा फतब आहू रजुल तो ये हदीस कौन बयान कर रहे हैं? सलमा बिलकवा सलमा बिलकवा कहते हैं तो एक आदमी ने उसका पीछा किया अला नाकिन वर्क़ा एक ऊँटनी पे ऊटनी किस रंग की थी खाकी रंग की किस रंग की खाकी रंग की मट्टी के रंग की थी खाल सलमा सलमा कहते हैं व खल तो अजतदू मैं निकला इस आल में कि मैं भी दौड़ने लगा फकुन तो इह दाल नाक़ा तो मैं पहुंच गया ऊंटनी के पिछले हिस्से के पास कौन सी ऊटनी नहीं नहीं उसका तो ऊंट था उसका क्या था ऊंट था लेकिन ले, जिस जिस आदमी ने सलमा बिन अक्वा से पहले पीछा किया ना वो किसके ऊपर सवार था ऊंटनी के ऊपर और उसके बाद फिर सलमा बिन अक्वा तीसरे नंबर पे कहते मैं पहुंच गया ऊंटनी के पिछले हिस्से के पास ऊंटनी किसकी वो जो सा, दूसरे साथी थे साथी। पकड़ने वाले सुम्मा तकदम तो सलमा कहते हैं फिर मैं आगे निकल गया पहले मैं उस साहबी की ऊंटने के पिछले हिस्से के पास था फिर मैंने क्या किया आगे, आगे निकल गया हत्या कुंत इंदा वर्किल जमल यहाँ तक के मैं ऊँट के पिछले हिस्से के पास पहुँच गया सु कदम तो फिर मैं आगे बढ़ा हत्या खस्तु बिखता जमल यहां तक कि मैंने ऊंट की नकेल पकड़ ली क्या पकड़ ली ऊँट की नकेल तो हूँ तो मैंने उसको बिठाया किसको? उन्ट को ऊंट को फलम्बा वजा रुक फिल अर्दी, जब उसने अपना घुटना जमीन पर रखा तो इख्तरत तो सही फी मैंने अपनी तलवार निकाली फजरब तो असर रादू तो मैंने आदमी के सर पर तलवार दे मारी फलाता तो उस आदमी का सर जो है वो गिर पड़ा जिसम से लग के गिर पड़ा जमल या यूद हो फिर मैं ऊंट को लेकर आया इस हाल में कि मैंने उसको आगे से पकड़ा हुआ था मैं उसका कायद बना हुआ था मैं उसकी क्या कर रहा था मैं उसको आगे से चला रहा था एक होता है सा को इनको ऊंट को पीछे से चलाना एक एक कूदूँ ऊँटों को आगे से हाँ जी सुम अजी तो बिलजाम य हूँ फिर मैं ऊँट लेकर आया हूँ मैं उसको आगे से, आगे से मैं उसको यानी कि रस्सी के ज़रिए कर रहा था अलह ही रह लू उस ऊँट के ऊपर उसकी उस आदमी की सवारी भी थी उसका कजावा भी था वह सिला हो उसका असला भी था फस्तकबल अली रसूल सल्हु वसम तो मेरा इस्तबाल किया किसने रसूल असलम ने वल्लासुमाऊ और और लोगों ने भी आपके साथ कि मेरा अल्लाह के रसूल ने और आपके साथ लोगों ने क्या किया इस्तबाल किया फला तो आपने कहा मन कत्ल रजूल इस आदमी को किसने क़त्ल किया है क़ालूत उन्होंने कहा इबन अकवा किसने क़त्ल किया है सलमा बिन अकवा ने इन कि मेरा नाम लिया खाल आपने कहा लहू सलबू अजमा तो सलमा बिन अकवा के लिए उसका छीना हुआ माल है अजमा उस सारे का सारा उस आदमी से छीना हुआ माल सारे का सारा किसको मिलेगा सलमा बिन अकवा को मिलेगा तो ये एक ही हदीस है उसका शुरू वाला हिस्सा जो था वो बुखारी में भी आया है, मुस्लिम में भी और बाद वाला हिस्सा जो है वो सिर्फ मुस्लिम शरीफ में आया है एक तो इससे पता चला कि वाक़ किस लड़ाई का है गजबाए हुनैन का और ये सहाबी कौन है सलामा बिन अकवा और ये ये मशहूर थे तेज़ रफ़्तारी में दौड़ने के लिहाज से ऊट चलाने के लिहाज से समा बिन अकवा बहुत मशहूर थे और इससे पता चला कि कैसे काफ़र लोग मुसलमानों की जासूसी करते हैं यहाँ पे देखिए आदमी सुर्ख ऊँट पर आया है ऊँट बैठा दिया और मुसलमानों के पास आके खाना खाना शुरू कर दिया है और फिर देख रहा है और देख रहा मुसलमानों की कमज़ोरी के पहलू क्या क्या हैं तो उसको पता चल गया कि कई मुसलमान कमज़ोर हैं और इनके ऊँट भी कमज़ोरी है और कई जो तो हैं पैदल हैं तो इसलिए उस आदमी ने क्या किया ये चीज़ें देखने के बाद वो दौड़ पड़ा इनके चाह रहा था मलूम आज जा दूँ तो आपने ऊँट पर आया और भाग खड़ा हुआ तो एक आदमी ने पीछा किया सलमा बिन समाकवा ने भी पीछा किया और सलमा बिन सलमाकवा चूँकि तेज़ रफ़्तारी में बहुत आगे थे कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों से आगे निकल गया ये तो यहाँ पे भी वो आगे निकल गए और उन्होंने उस ऊंट की नकेल को पकड़ लिया और उसके ऊपर सवार आदमी को कत्ल कर दिया और फिर ऊंट अल्लाह के रसूल के पास लेकर आए और अल्लाह के रसूल ने इनाम के तौर पर ऊंट पर रखा हुआ सामान सलमा बिन अकवा को दे दिया और इसको क्या कहते हैं सलब कहते हैं और देखिए है कि अल्लाह के रसूल ने कैसे सलमा बिन अकवा का इस्कबाल किया और आपके साथ सहाबा के नाम ने भी तो यह है शान उस आदमी की जो अल्लाह की राह में लड़े और दूसरी जानब अंजाम उस आदमी का जो जासूसी करे तो पता चला जासूस को क्या किया जाएगा कत्ल किया जाएगा अगर अगरचे पाँच मिनट बाकी हैं लेकिन उसके बाद अदीज़ काफ़ी लंबी है इसलिए यहीं पे आज के दरस का अहताम करते हैं और इन अल्लाह के फजल करम से ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा बाद की जो अहदीस हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मालूम हैं इसी ए, मौजु पे तो आज के दर्ज़ का ख़ुलासा क्या है एक तो ये कि जन्नत क्या है तलवारों के साय तले है ये कि जन्नत लेना इतना आसान नहीं है उसके लिए क़ुरबानियाँ देना पड़ती हैं दूसरे नंबर पर ये कि शहादत से हर गुनाह मिट जाता है सवाए कर्ज़ के इससे पता चला कि कर्ज़ का मामला कितना संगीन है उसके बाद ये कि जो अपने माल के दफा में फौत हो जाए वो क्या है? है वो शहीद है और उसके बाद जो किताब इसलिए करे कि अल्लाह के, अल्ला के कलमा ही बुलंद रहे तो ये है यानि कि फीस सबी लड़ने वाला ये क्या है फीस सबी लड़ने वाला और उसके बाद ये कि जो तसब में मारा जाए तो उसकी मौत क्या है जाहलीत की मौत है यानी कि किसी कबीले का एक कबीले का दफा करते हुए इधर भी मुसलमानों का कबीला है उधर भी मुसलमानों का कबीला है और वह अपने कबीले के अंधी मायद कर रहा है ये नहीं देखता हक पे कौन है और इसी तरह लड़ते लड़ते वो कत्ल हो जाता है तो वो जहरीत की मौत जो है वो मरेगा उसके बाद शहदा का बयान हुआ कि शोहदा कौन कौन है और बताया गया है कि जो मार्के में काफरों से लड़ते हुए शहीद हो ये वो शहीद है जो दुनिया के लिहाज से भी शहीद है और आखिरत के लिहाज से भी शहीद है और बाकी जो ताउन की बीमारी में मरने वाला पेड़ की बीमारी में मरने वाला या गर्क होने वाला या किसी चीज़ के नीचे दब कर मरने वाले ये जो हैं वो शहदा हैं जो दुनिया के लिहाज से नहीं है लेकिन आखरत के लिहाज से हैं और उसके बाद ये था कि जो रिकारी के लिए लड़े या रिकारी के तौर पर इलम दे क़ुरान सिखाए या रहाकारी के तौर पे माल खर्च करे अल्लाह की राह में तो वह ऐसा आदमी शदीद ख़तरे में है उसके बाद ये कि काफ़र को क़त्ल करना हराम है जबकि मुसलमान हो जाए चाहे उसको मुसलमान हो गए एक मिनट हुआ हो हु। चाहे वो मुसलमानों का पहले बहुत सारा नुकसान कर चुका हो उसके बाद ये है कि जब अज़ान की आवाज़ आए किसी गांव से किसी महल से किसी शहर से तो फिर उस पर हमला करना क्या हो जाता है ममनू हो जाता है हराम हो जाता है क्योंकि मुसलमान है और इस्लाम जो है अजाम जो है हैत है लोगों के मुसलमान होने की उसके बाद आपका ये फरमान कि मैं किसी मशरक से मदद नहीं लेता इसमें भी मुसलमानों के लिए इबरत है कि मशर्किन की मदद लेने से गुरेज़ करना चाहिए हर मुमकिन हद तक लेकिन अगर कभी मजबूरी बन जाए और मसलत हो और नुकसान ना हो फित फसात का ख़तरा ना हो तो फिर मुसलमान मदद ले सकता है उसके बाद ये है कि आपने फरमाया थे कि जज़ी अरब से गैर मुसलमों को निकाल दो और जनाब उमर फलूक ने अपने ज़माने में इनको निकाल दिया था उन्होंने अपने ज़माने में निकाल दिया था और उसके बाद जासूस को कत्ल करने का हुक्म है तो ये वो काम है अल्लाह रब्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ते नबी अलीसम की यह हदीस सही मानों में सबने की तोहफ़ी नायत फरमाए इन शहंदा दरस में कल मुलाकात होगी व वा आखन आहमदिल्ला रबीआलमिन